इसमें देखिए मेरे मैं तो कैरेक्टर एक्टर तो बात की बात है, जिस दौर में ये पिक्चर आई थी अपने पास वो उस वक्त ऐसा था कि मुंबई में रुके कि जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कब शूटिंग शुरू होगी ये पता नहीं था। तो ऐसे दौर में जो है आप एकदम हमारे लिए अन्नदाता बन के आए उस वक्त, तो मैं मना करने वाला तो कोई बात ही नहीं थी। और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज देते थे कम पैसे वाला, तो वो भी हमें मंजूर था, कुछ क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जब काम में आए, शूटिंग में आए, जिस शिद्दत से क्या होता है, एक तो हम जिस भाव से आए ठीक है, लेकिन मेन जो आदमी जो चला रहा है, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, उनकी शिद्दत देखी, उनका जुनून देखा, तो वो फिर उसके बाद फिर किरदार के तरीके से समझाया। तो और हम तो वैसे वाले एक्टर हैं कि डायरेक्टर की बात सच्चाई से सुन लेते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, फिर सब लोग उसको अच्छा समझते हैं। तो वैसे ही आपके साथ भी, वो आपकी बात पूरी सुन ली, तो एक ऐसा किरदार जो कि सस्पिशियस आपको लेगा, यही आदमी हर हर कई सिचुएशन ऐसी आती है तो आपको लगता है यही वो मेन गड़बड़ है। हाँ, तो वो मौका मिला बड़ी सहजता के साथ, आपने बहुत सरल तरीके से जिस तरीके से मेरे को प्रस्तुत करने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। और नितिन भाई जैसा एकदम मुक्त स्वभाव का आदमी, कलाकार अच्छा और उसके बाद आदमी अच्छा, तो अच्छी लोगों के साथ। और इस साल की तो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, एकदम दिलेर पाजी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही गर्व की बात है। नितिन सर आपका किरदार आपका क्या है? मेरा किरदार ऐसा है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा इसमें नहीं सिंपल एक जैसे ही आप लोग मुझे देखेंगे आपको लगेगा कि जैसे इन्होंने कहा है कि यही गड़बड़ है, तो वैसे हर किरदार के साथ यही लगे यही गड़बड़ है, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, तो ये आप खेलते रहेंगे टेबल टेनिस पूरा पूरी फिल्म में, फाइनली आपको पता चल जाएगा। बट बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है दुष्यंत जी ने इसे, क्योंकि जब इन्हें मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे बताया कि पैंडेमिक, पहली बात तो ये कि कैसे शूट करेंगे इतने सारे लोग और क्या, बस करेंगे आप खाली हाँ बोलिए, बाकी सब सेट हो गया। और मतलब मेरा कैरेक्टर का फोटो वोटो पहले से ही मुझे कास्ट करने से पहले ही इन्होंने पूरा मतलब लिखा है मेरा नाम लिख के था कि यही मतलब आपको श्योर था मैं करूंगा, बोला हाँ 100%। चलो भाई ठीक है, तो आपकी बात सही करते हैं। लॉकडाउन शूटिंग अरे खतरनाक ऐसा दौर की शूटिंग तो कर रहे हैं, पिक्चर देख पाएंगे कि नहीं मालूम है, लोग टपक रहे थे जा रहे थे। अभी याद है नितिन भाई को अचानक कुछ लगा तो कम से कम 20 बार ऑक्सीमीटर तो फुल लग रहा हो, तो बहुत हम भी घबरा गए थे। मैं तो यार दूसरी शूटिंग में कर रहा था एक्चुअली, तो मैं अगर किधर बीमार पड़ गया या कुछ हुआ तो सिर्फ वो सेट ही नहीं, दूसरा सेट भी जाएगा, घर भी जाएगा। उधर तो ऐसा था ना, सीधा सब बंद अंदर, 7 दिन के लिए सब बंद, बीएमसी वाला आएगा ताला मारेगा अंदर ही बैठ, किधर नहीं जाएगा। मैं भाई किसी को फंसाना नहीं, चेक करते रहो, लफड़ा नहीं चाहिए, चेक कर रहे सब ठीक है भाई, सब ठीक है। नॉर्मल जुकाम भी तो वही लगता था ना, जुकाम तो हो ही सकता है ना आदमी को, लेकिन क्या करे, आजू बाजू में हालात ऐसे थे, नॉर्मल जुकाम में भी लगता था भाई सब ठीक, लेकिन सब ठीक है, डोंट वरी। ये काढ़ा लेके चलते थे, काढ़ा पिलाता हूँ ऐसा। उस दौरान ये जरूर हुआ कि हमने अपना किचन कैरी करना शुरू कर दिया, भीलवाड़ा की शूटिंग के लिए तो अपना दाल, अपना चावल, भाजी, नमक, मसाले, घी का छोटा वाला पैकेट 200 ग्राम का, इलेक्ट्रिक केटली, अपन ने वो जीवन अपना लिया। बहुत शुक्रिया। जिंदगी शतरंज रिलीज हो रही है 28 जनवरी 2023 को, आप सब लोग फिल्म देखने हैं। और आज इस फिल्म के जो म्यूजिक रिलीज होने जा रहा है उसके मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं शेरे पंजाब लिविंग लेजेंड और हमारे संगीत जगत की शान आदरणीय श्री दलेर मेहंदी जी, इस सॉन्ग की कंपोजर इंद्राणी भट्टाचार्य जी, हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर आदरणीय फहीम कुरैशी जी, इस फिल्म का जिनके कंधों पर दारोमदार है भाई हितेन तेजवानी जी, और वो शख्स जो चाकू लेके आपको इसके प्रोमो में नजर आ रहे हैं, वो चाकू से कौन कटा है आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, आदरणीय हेमंत भाई जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले ईश्वर का, आप सभी का, और फिर मेरे सभी जो स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे मेरी शायद औकात से ज़्यादा दिया भगवान ने मुझे, मैं जिसको डिजर्व करता था उसे ज़्यादा प्यार दिया मुझे, सबने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आगे आपके हवाले मंच, इतने अच्छे लोग गड़बड़ हो गया नहीं, मामला गड़बड़ नहीं हुआ, ये तो जिंदगी शतरंज है, उसमें शतरंज में क्या गड़बड़ चल रही है, वो अपना किंग बताने की कोशिश कर रहे हैं गाने के माध्यम से हमको, आपको पता चलना चाहिए ना कि गड़बड़ हो रही है।
कैसे गड़बड़ हो गई? देखो अभी ये सब बता देंगे तो आप फिल्म देखोगे नहीं। देखो चाल चल रहे हैं लोग, और उस चाल में कौन फंसता है और कौन निकलता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ गड़बड़ ओए गड़बड़ गड़बड़ वो वहां पे देखना पड़ेगा ऐसा। सर कैसे बोर्ड पे आ कैसे बोर्ड का ऑन बोर्ड कैसे बोर्ड? देखिए जब कुछ आप नसीब लेके आते हैं इस दुनिया में, तो शायद मैं भी ऐसा वो शख्स हूँ जो एक अच्छा नसीब लेके आया। मैंने रिक्वेस्ट की और उसे दलेर पाजी ने एक्सेप्ट किया, और मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। सेम हैपनिंग इज विद हितिन तेजवानी जी, सेम हैपनिंग विद हेमंत पांडे जी, सेम हैपनिंग विद मेरे प्रोड्यूसर फहीम कुरैशी जी, इंद्रानी। तो मैं एक बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो हम लोगों ने पाजी के नेतृत्व में, हितिन भाई के सदे हुए सेनापतित्व में, और आदरणीय हेमंत पांडे जी के कुशल व्यू रचना में इस फिल्म को बनाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत पसंद आई लोगों को। नेचर बहुत बहुत कमाता है। मिलने आए मैं ना फिल्म करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो धीरे 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 समझाते गए, तो मुझे बातें सारी समझने में 3-4 हफ्ते लगी है इनकी बातें। फिर मुझे लगा कि चलो यार कर देते हैं, पहले गाना हो गया, फिर बाद में थोड़ी देर में मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो मैं शायद आप पे कर लूँ। मिला कि कोई कोई कुछ करना चाह रहा तो जरूर कर। मैं वैसे बहुत ही अब बहुत मूडी हूँ, तो मैं तो हाथ पैर मेरे कांप रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे इनको ईश्वर माना जाता है वैसे ही, और हम लोग वैसे ही देखते आए हैं। और जब उनके सामने जाके उनको रिकॉर्ड करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये ऑब्वियसली दुष्यंत जी नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और एक नए कंपोजर और वो भी एक फीमेल, तो कंपटीशन और ज़्यादा है मौका मिलना बहुत। बट इन्होंने ऑलवेज टैलेंट को बहुत देखा है और मुझे मौका दिया, और वो भी पहला गाना पॉपकिंग जो है सर गा रहे थे तो वो समझा नहीं सकते, मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ गिफ्ट शब्द दिए सर ने, कुछ सर काफी सर तो ऐसा है कि मैंने ऐसे ग्राउंडेड आर्टिस्ट जिंदगी में नहीं देखा। मैं बहुत साल से काम कर रही धीरे धीरे छोटा छोटा करके, पर बहुत लोगों से मिली पर ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया नहीं कि मैं एक नई कंपोजर हूँ। उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया वहाँ पे स्टूडियो में जाके, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार कोई रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ ऐसे मेजर के साथ। फहीम भाई आपका कहना, आप कैसे एज ए प्रोड्यूसर तो कहा गया कि फिल्म करनी है और ये दिग्गज लोग हैं, तब क्या कुछ? दुष्यंत प्रताप सिंह जी मेरे काफी घने मित्र हैं और हमारी दोस्ती काफी सालों से, लेकिन कोरोना का सर आए बैठे ही करे हमारी चर्चा चली, मैंने सबको बोला थोड़ा रुक जाते, सर रुकते तो है नहीं उनका प्रॉब्लम ये है, तो बोले नहीं बनाते। पिछले महीने भी मूवी रिलीज हुई थी, अब ये मूवी भी रिलीज हो रही है, उसमें भी पापा जी का एक बड़ा हाथ है मूवी में, और हमारे स्टूडियो में लैब में पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा काम हुआ है, अब साथ चलते हैं। अब मूवी तो तेजवानी साहब ने भी काफ़ी मेहनत की, पांडे जी सभी ने पूरे लोगों ने की, मूवी में सस्पेंस बहुत है, लोगों ने थिएटर तक जाना चाहिए, क्योंकि यही मूवी ऐसी मूवी बहुत कम बनी है पिछले कुछ सालों में। ये स्टोरी ऐसी है कि बता नहीं सकते, लेकिन थिएटर में लोगों को मजा जरूर आए, काफी मेहनत की है सभी लोगों ने, खासतौर से डायरेक्टर साहब ने काफी मेहनत की, सभी ने अपने अपने तरफ से योगदान दिया, तो आशा करता हूँ कि मूवी अच्छी चल रही है, लोग देख के हम थोड़ा सा हौसला हमारा बढ़ा है ताकि नेक्स्ट फिल्म और कर सके। और ख्याल तो वेब सीरीज का भी है सर से चर्चा किए, पापा जी को बोला मैंने अभी वेब सीरीज का थोड़ा सा मूड बन रहा है, कोई किशन जी के ऊपर है क्या करते हैं।